हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, बीपीएससी सहायक का एग्जाम 17 मार्च को होने वाला है प्री एग्जाम। इसके लिए मैं कल ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि 17 मार्च को प्री का एग्जाम होगा। तो इसको कैसे हम लोग क्रैक करें, अगर अभी से हम लोग बात करें तो लगभग 45 दिन समय आपके पास बचा हुआ है। तो मैंने 5 दिन और हटा दिया और 40 दिन का स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि 40 दिन में क्या पढ़े, कौन सा बुक पढ़ें, कैसे क्रैक करें बीपीएससी सहायक को, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कल शाम को ही मैंने आपको बताया था कि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, कहाँ से हमें तैयारी करनी है, कौन सा बुक पढ़ना है, ये सब चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और आज रात को हो सकता है 11 बजे ही आपको एक वीडियो मिलेगा बीपीएससी सहायक के लिए, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कौन सा वीडियो आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है एग्जाम तक। अभी अभी इसे बनाया गया है एग्जाम तक चैनल को, तो इसको आप जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वेरियस एग्जाम की तैयारी अलग अलग फैकल्टी के द्वारा करवाई जाएगी। तो यहाँ पे मैथ हो या रीजनिंग हो, हर सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी अलग अलग फैकल्टी के द्वारा। और आपको बता दूँ कि बीपीएससी असिस्टेंट में मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आप सर्च करते हैं एग्जाम तक, तो एग्जाम तक नाम से चैनल 2-3 चैनल है, वो मेरा चैनल आपको हो सकता है भूल से दूसरे चैनल पे आप चले जाएं, लेकिन सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पे ये चैनल मिल जाएगा और जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, मैं अन अकेडमी पे भी पढ़ा रहा हूँ और बीपीएससी असिस्टेंट के लिए है अन अकेडमी पे मैंने क्लास शुरू कर दिया है। और यहाँ पे बिहार करंट अफेयर का सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ, और जितना जो बिहार करंट अफेयर होगा वो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा और बिहार जीके भी अपलोड करूँगा बीपीएससी असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जाकर के अभिमन्यु सिंह आपको सर्च करना होगा और आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और बीपीएससी असिस्टेंट की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर कर सकते हैं आप। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना होगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है बीपीएससी असिस्टेंट का। तो देखिए, इसमें दो परीक्षाएं ली जाएंगी, पहला होगा प्रीलिम्स, इसके बाद होगा मेंस। जैसा कि बीपीएससी में हर एग्जाम होता है वैसे ही इसमें प्रीलिम्स और मेंस होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जस्ट अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो इसमें बस ये आपको जानना है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों होगी। लेकिन देखिए, नोटिफिकेशन जो आया था उसमें ये बताया गया था कि अगर 40,000 से कम होता है आवेदन तो सिर्फ प्री एग्जाम ही होगा, मेंस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी तक आयोग की ओर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि कितने फॉर्म जो है वो फिलअप हो चुके हैं। ओके, जैसे ही अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं प्रारंभिक प्री एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा। इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल कितने प्रश्न होंगे। तो इसमें टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न जो है वो एक नंबर का होगा, मतलब कि 150 मार्क्स का होगा और 150 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। अब देखिए सिलेबस क्या है, सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर, सारा जो है वो सामान्य अध्ययन में आ जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और एक बात और आपको बता दूं कि हमारा 64वीं बीपीएससी के लिए बहुत सारा वीडियो जो है वो अपलोड किया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्पेशल 64वीं बीपीएससी के लिए बनाया गया था, आप इसके लिए भी वो देख सकते हैं वीडियो को। और स्पेशल जो है वो 2 से 3 वीडियो मैं कोशिश करूँगा डेली इसके लिए, बीपीएससी असिस्टेंट के लिए। इसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, इसमें गणित बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ जो है वो वीक है, मैथमेटिक्स कमज़ोर है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 50 क्वेश्चन साइंस और मैथ से पूछा जा रहा है तो आप ये आइडिया रखिए कि 30 से
35 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा, जबकि 15 से 18 क्वेश्चन के अराउंड जो है वो पूछा जाएगा मैथ से, उससे भी कम हो सकता है, 10 से 15 क्वेश्चन आपको मानकर चलना है। अब तो ये आयोग के ऊपर डिपेंड है, लेकिन साइंस का क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा होगा, ये श्योर है। ओके, इसके बाद है मानसिक क्षमता एवं जांच, मतलब कि रीजनिंग। रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग कोई टफ नहीं होता है, 50 में 45 आप स्कोर इजिली कर सकते हैं यहाँ से। तो रीजनिंग और सामान्य अध्ययन और ये सामान्य विज्ञान साइंस, ये तीन आपका रिजल्ट बनाने वाला है, और कोई टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। इसकी तैयारी मैं 1 महीने में करवाऊंगा, और आप लोग चाहते हैं कि मैं तैयारी करवाऊं तो कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए एक चीज़ और, नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, मतलब कि अभी जस्ट जो है वो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है इंटर लेवल का, उसमें भी ये जस्ट था कि आप एग्ज़ाम में पुस्तक भी ले जा सकते हैं। ओके, लेकिन कौन सा, एनसीईआरटी का पुस्तक आप ले जा सकते हैं। ओके, एनसीईआरटी या जो भी टेक्स्ट बुक है वो आप ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का है जैसे लूसेंट, तो ये सब बुक जो है आप नहीं ले जा सकते हैं। एनसीईआरटी ये सब बुक, आईसीएसई सीबीएसई का बुक जो है वो आप ले जा सकते हैं। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप देखते हैं मुख्य परीक्षा। देखिए मेंस एग्जाम जो है वो कैसे होगा, मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, तो मेंस में दो पेपर होगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 होगा मेंस में। तो पेपर 1 जो होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, और इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आपको 30% पासिंग मार्क्स लाना है, और अगर आप इसमें 100 में अगर 95 भी ले आते हैं तो ये आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, यहाँ से आपका रिजल्ट बनने वाला नहीं है, आपका रिजल्ट यहाँ से बनेगा। तो ये 30% जो है वो कोई स्टूडेंट ले आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप 30% ले आएंगे, तो इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आपको इस पेपर पर। और देखिए यदि आपने प्री का पढ़ लिया है, अच्छे से तैयारी कर लिया है, तो जस्ट वही है मेंस भी। ओके, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, सेम वही सिलेबस है, यहाँ भी ये सामान्य ज्ञान का होगा पेपर 2, और जैसा कि प्रीलिम्स में ये सिलेबस है टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ भी पूछा पूछा जाएगा, मेंस में भी 150 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, प्री के जैसा ही वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता एवं जांच, इन तीनों से इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंस में भी। तो अगर आप प्री की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो मेंस की भी तैयारी साथ ही साथ आपकी हो जाएगी। यहाँ पे रिटेन जो है वो वैसा नहीं लिया जाएगा कि अलग अलग पेपर होंगे, जैसे बीपीएससी का मुख्य परीक्षा होता है वैसा यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ओके, टोटल जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होगा, ओके सब्जेक्टिव नहीं होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और यहीं से आपका रिजल्ट बनेगा, पेपर 2 से ही रिजल्ट बनेगा, तो आप तैयारी में लग जाइए। अब हम लोग बुक देखते हैं कौन कौन सा बुक हम लोग पढ़ें, क्योंकि समय बहुत ही कम है, 40 दिन का समय है हमारे पास, और अगर मोटी पुस्तक लेकर बैठ जाते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। तो सामान्य अध्ययन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बेटर है लूसेंट। लूसेंट छोड़कर आप कोई बुक ना पढ़ें, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। और देखिए एक प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाएं, हो सके तो 2 लगाएं, एक सुबह मॉर्निंग में और एक इवनिंग में प्रैक्टिस सेट लगाएं। ओके, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, और लूसेंट का बुक पढ़ें, और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सामान्य अध्ययन में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा वो एसएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, इसके बाद अगर सामान्य विज्ञान की हम लोग बात करें, जनरल साइंस की बात करें, तो जनरल साइंस में लूसेंट का ही पढ़िए आप, लूसेंट का जनरल साइंस एक अलग से आता है, वैसे आपके पास अगर लूसेंट का बुक है तो उसमें भी सामान्य विज्ञान से कुछ क्वेश्चन जो है कुछ दिया हुआ रहता है, लेकिन इसका स्पेशल एक सामान्य विज्ञान का अलग से बुक आता है, अगर ये आपके पास है तो बेटर है, और नहीं तो आप घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारा का सारा जो है वो ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा घटना चक्र में भी। ओके, तो लूसेंट या घटना चक्र ये दोनों आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सेट डेली आप लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है मैथ और रीजनिंग। तो देखिए मैथ और रीजनिंग जो है वो प्रैक्टिस का है,
मतलब आप इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीजनिंग में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसके लिए RS अग्रवाल की अच्छी पुस्तक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। दोनों के लिए, मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए RS अग्रवाल की अच्छी पुस्तक है, आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, और नहीं तो एक और पुस्तक है SSC के लिए, किरण। ओके, किरण का बुक भी आप पढ़ सकते हैं, SSC के लिए आता है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, तो यहाँ से आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो सकता है। तो कोई एक बुक पढ़िए, ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग में जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो बस इतना ही आपको बताना था कि सिलेबस क्या है, क्योंकि कल बहुत ही लोग पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या है, ये बताइए कैसे तैयारी करें, ये बताइए। तो आशा करता हूँ कि डाउट आपका सारा का सारा क्लियर हो गया होगा, सिलेबस क्या है। बस मैं बहुत ही जल्द तैयारी शुरू करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, और अन अकेडमी पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ BPSC असिस्टेंट के लिए। करंट अफेयर स्पेशल मैं यहाँ पे अभी करवा रहा हूँ, इसके बाद बिहार GK मैं करवाऊँगा अन अकेडमी पे। तो आप मुझे फॉलो यहाँ जरूर कीजिए, आप प्ले स्टोर में जाएँ और अन अकेडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से सर्च कीजिए अभिमन्यु सिंह। ओके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो हमारे चैनल को एग्जाम तक को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो बस इतना ही न्यूज़ देना था आज। ओके, सो थैंक यू।